हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो आपका आईक्यू फ़ोन है तो आईक्यू फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग पे जाकर जो आपके फ़ोन में एंड्रॉयड ऑटो सेटिंग्स है तो एंड्रॉयड ऑटो सेटिंग्स को आप कैसे सेट कर सकते हैं अपने आईक्यू फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग पे जाकर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाने ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको इसमें स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स आपके फ़ोन में ओपन हो जाएंगे। फिर आपको सेटिंग्स पे जाना है, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो जो आपके फ़ोन में एंड्रॉयड ऑटो सेटिंग्स है तो एंड्रॉयड ऑटो सेटिंग्स को आप सेट कैसे कर सकते हैं, सिंपली सेटिंग शो हो रही है तो आपको सर्च करना है एंड्रॉयड ऑटो सेटिंग। तो एंड्रॉयड ऑटो सेटिंग्स से आपके फ़ोन में शो हो जाएगी, इसको आप सेट कर सकते हैं। यहाँ से एंड्रॉयड ऑटो सेटिंग्स को आप सेट कर पाएंगे। देख सकते हैं कि एंड्रॉयड ऑटो सेटिंग्स को सेट करके यूज़ कर सकते हैं, एंड्रॉयड ऑटो के जरिए इसका यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से वायर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर ब्लूटूथ से कनेक्ट करना चाहें तो ब्लूटूथ से भी आप कनेक्ट करके कार का यूज़ कर पाएंगे। तो इस तरीके से एंड्रॉयड ऑटो सेटिंग्स को आप सेट कर सकते हैं अपने आईक्यू फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग पर जाकर। पर आपको ऑप्शंस नहीं मिलता तो आप फ़ोन की सेटिंग्स पर जाकर भी एंड्रॉयड ऑटो सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं और इसका यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं कि आपकी सेटिंग शो हो रही है ब्लूटूथ एंड डिवाइस सेटिंग, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। तो हम इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ से भी आप नियर सॉरी एंड्रॉयड ऑटो सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, कार को कनेक्ट कर सकते हैं वायर के जरिए या ब्लूटूथ के जरिए भी कनेक्ट कर पाएंगे। तो इस तरीके से एंड्रॉयड ऑटो सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं अपने आईक्यू फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।